पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट नमो भारत का सेकंड फेज बनकर तैयार हो चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका लोकार्पण किया। इस मौके पर गाजियाबाद के सांसद वीके सिंह और मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहे। गाजियाबाद में रैपिड रेल नमो भारत अब मोदी नगर तक जाएगी। हालांकि यात्रियों को इस ट्रेन से मोदी नगर तक सफर करने के लिए 1-2 दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। तो अब मोदी नगर तक नमो भारत ट्रेन जो है वो जाएगी, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और ये प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। पीएम मोदी ने वर्चुअली इसको हरी झंडी दिखाई, जिस दौरान वीके सिंह सांसद भी मौजूद रहे और साथ ही हरदीप सिंह पुरी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं वो भी इस दौरान मौजूद रहे। पूरे मुरादनगर के, मोदी नगर के, गाजियाबाद के सभी और मेरठ तक के लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि नमो भारत ट्रेन की सेवाएं आज मोदी नगर नॉर्थ तक एक्सटेंड कर दी गई हैं। कल ही हम लोग को कमिश्नर ऑफ मेट्रो सेफ्टी से क्लियरेंस मिला था और आज ही उसका उद्घाटन हो गया। इससे फास्ट आप सोच सकते हैं कि क्या काम होगा। हमारी कोशिश तो यह है कि हम दिल्ली से लेकर मेरठ तक पूरा संचालन जल्दी से जल्दी कर दें, पर ऐसा होता है कि जब इतने बड़े ये प्रोजेक्ट होते हैं तो उसमें हमें कम से कम 100 से ज्यादा विभागों के साथ तालमेल करना होता है और इस तालमेल में ऐसा हमेशा नहीं हो पाता है कि वो तालमेल सभी 100 के साथ बराबर हो जाए। फिर भी एनसीईआरटीसी की हमेशा कोशिश रहती है कि जो हमें टारगेट्स भारत सरकार ने दिए उससे पहले हम काम करें। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट रैपिड एक्स यानी नमो भारत ट्रेन का सेकंड फेज का जो लोकार्पण है वो कर दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये लोकार्पण किया गया है। हम इस वक्त मोदी नगर स्टेशन के पास मौजूद है। रैपिड एक्स ट्रेन इसी स्टेशन से रवाना की गई है। हरी झंडी दिखाकर रैपिड एक्स ट्रेन को, नमो भारत ट्रेन को रवाना किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में मौजूद रहकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या यूं कहें वर्चुअली इस रैपिड एक्स का उद्घाटन किया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो है 17 किलोमीटर का सफर है कितनी जल्दी जनता इसे तय कर पाती है और जाम से जूझती जो जनता है वो इस रैपिड एक्स ट्रेन के जरिए अपना जो सफर है वो सुगमता से कर पाती है। आपको बता दें कि इस ट्रेन का पहले खंड का लोकार्पण पिछले वर्ष भी किया गया था और अब दूसरे खंड का लोकार्पण इस साल किया गया है। इस वक्त यहाँ मौजूद थे वीके सिंह जो गाजियाबाद के सांसद हैं और मंत्री हरदीप सिंह पुरी, उनके मौजूदगी में इस रैपिड एक्स ट्रेन का लोकार्पण किया गया है। अब आप देखने वाली बात यह होगी कि रैपिड एक्स ट्रेन के लोकार्पण के बाद, नमो भारत ट्रेन के लोकार्पण के बाद जो दिल्ली से मेरठ जाने वाली जनता है उसको कितनी सुगमता हो पाती है और घंटों का सफर मिनटों में तय करना अब जनता के लिए कितनी सुगमता भरा रहेगा। गाजियाबाद से आकाश गर्ग, नेटवर्क 10।